मिल गया मिल गया। कहते हैं ना जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। अबे लॉटरी लग गई, लॉटरी अपन की। तो अबे इस लड़के से हम लोग इतना कमाएंगे कि 2 साल तक हमें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। पर इसके साथ खूबसूरत लड़की कौन? अरे नटवर, लड़की की तरफ नजर मत मार, लड़की की तरफ देख। अब मुसी पे नजर मारना, अब आजू बाजू नजर तो जाएगी ना। तनु बहुत जोर से भूख लगी यार, अच्छा लग रहा है ढाबा। तनु वहां बैठते आओ। ऋषि हाथ छोड़ो। खैर शर्मा की दिया, आप तुम्हारी शादी हुई है, मैं किसे डरता नहीं हूँ। ऋषि अच्छा नहीं लगता है, ऋषि सब देख रहे हैं। कौन देख रहा? तनु यार तुम भी, अब तो शादी हो गई, अब तो बनता है। क्या खाओगे तुम? क्या खिलाओगी? खिलाऊं? हाँ। इस लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि ये घर वापस जाना ही नहीं चाहता है। अरे इसके हरकत से तो ऐसा लगता है कि दोनों ने भाग के शादी की। इसका मतलब भाग के शादी करने का लफड़ा है। अगर ऐसा है तो इस लड़के को कोई भनक नहीं लगनी चाहिए कि इसके बाप ने इसे घर वापस बुलाया। अगर इन दोनों को भनक लग गई ना तो भाग जाएंगे, फिर करोड़ वरोड़ नहीं हम रोड के रोड पे रह जाएंगे। अरे नटवर, हम पहले इसे प्यार से बातें करेंगे, मौका मिलेगा तो हम इसको बहला भुसला के इसके बाप के पास लेके जाएंगे। बाप को बेटा मिल जाएगा ना तो हमें पैसा मिल जाएगा। बस सत श्रीकाल पापा जी। सत श्रीकाल। आप 2 कटिंग ले आइए। कटिंग? आप कटिंग से किसको कट करोगी? आई होप मुझे नहीं। आधी चाय को यहाँ कटिंग बोलते हैं ऋषि। और 2 मस्का बन भी। कटिंग चाय, मस्का बन, नाइस यार, वाओ, साउंड्स कूल। यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं, कटिंग चाय ले आओ मलाई मार के, कटिंग चाय ले आओ मसाला मार के। ओ, मतलब यार खाने की चीजों को मार के ले आओ। अरे इसका मतलब है कि और ज्यादा डालो उसमें। तो सपोज आज के बाद अगर मुझे तुमसे किस मांगना हो तो पता मैं क्या बोलूंगा? अनु किस दो मुझे प्यार मार के। टपका डालूंगा, वाट लगा दूंगा, कान खींचे बजाऊंगा, आता माजी सटकी, समझी क्या? एक किसके लिए इतनी सारी धमकियां? ये धमकी होती है? अच्छा मुझे पता ही नहीं था। मतलब नहीं, वो मनप्रीत ऐसे बात करता है, ऐसे बात करता है। वैसे पता है क्या, मुझे मुंबई की भाषा से प्यार हो गया है। आई मीन लव यार। जैसे तुम यहाँ कहती हो ना एक कटिंग चाय ले आओ, वो पता है वो छोटा कहता है अगर किसी को भगाना हो, ए चल रे कटले पतली गली से। अब समझ नहीं आता लड़कियां पतली है कि मुंबई की गलियां पतली है। पतली कोई गली नहीं होती, बस क्या निकले कह देते। पता हमारे अमेरिका में क्या कहते हैं? ओह मुझे पता है, डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट रिलैक्स, टेक अ चिल पिल एंड नाउ डोंट यूटर अ वर्ड एंड जस्ट शट अप। अरे पापा जी, हमने बर्गर नहीं बन मस्का बोला था। ऋषि बर्गर नहीं बन मस्का ही है, आप चाहिए ये देखो। अरे इंडिया के लोग कितना उल्लू बनाते हैं, है बर्गर बोलते हैं बन मस्का। ये बन मस्का ही है, देखो ऊपर बन और अंदर बटर। अरे पर ये बर्गर है, बन मस्का नहीं है। कैसा है? यम्मी है यार। एक काम करेंगे आज के बाद ना इसका नाम मैं तनु बर्गर रखूंगा। रखो तनु बर्गर, तनु बर्गर। तुम्हारा नाम है ऋषि, पिज्जा रख दो, रख दो। पिज्जा वेज बर्गर, साउंड्स कूल। लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, क्या बात है यार, इस बात पे चाय हो जाए। एक मिनट, अमेरिका में चाय ऐसे पीते हैं? चीयर्स। अमेरिका में चाय पीते हैं? पीते ना, दूध वाली पंजाबी लोग पीते हैं। और बेदी परिवार तो जरूर पीता है। सॉरी। ये रहा बिल। बिल, ओके। मेरे पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए प्रिंसेस, 100 रुपए हैं मेरे पास। ऋषि मैं हाथ धो के आऊं? हाँ। तनु, आई लव यू। भाई 100 रुपए बचे हैं तो रखो अपने पास, काम आएंगे।
तुम्हारा बिल हम दे देंगे। अरे वाह, इंडिया के लोग इतने अच्छे होते हैं। बट नो नो थैंक यू, मैं तो बिल खुद दूंगा, ये लीजिए। सरकार जी, बच्चों से पैसे मत लेना, समझ गए आप? एक मिनट, ना हाय ना हेलो, ना जान ना पहचान, आप मेरा बिल क्यों दे रहे हैं? और हम तो तुम्हें जानते हैं, और सच कहें तो हमारे पास इतना समय नहीं है ऋषि, मैं काम धंधे पर लगना है, चुपचाप हमारे साथ चलो शांति से। आप धमकी दे रहे हैं मुझे, और मैं आपके साथ क्यों जाऊं? ए, ये मुंबई है, मुंबई में कोई किसी के साथ चुपचाप क्यों जाएगा? सिर्फ पैसों के लिए, समझे? ओ, पैसे? यस। लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। हम लोग वसूली करते हैं और हमें मालूम है किसको कहां से उठा के कहां से पैसे उठाने हैं। ऐसे तू नहीं, तेरा ओ मतलब पवन ने भेजा तुम को। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तनु, ऋषि, हाँ भाई, हाँ कोई मचान नहीं चाहिए, हाँ, अबे छोड़, तनु, मुंबई से, हाँ, मुंबई से, नाम मुंबई, नाम, लेके चलो उसको, लेके चल, ऋषि, ऋषि विशाल, तुझकी गाड़ी लेके अड्डे पे आ जाना, और हाँ अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। अरे तुम लोग यूं मुंह लटका के क्यों बैठे हो? मेरी बात हो चुकी है राजी से, उसने कहा है कि ऋषि को घर आने के लिए कह दिया है। क्या बात कर रहे हो? पीजी, क्या भाई का फोन आया था क्या? अरे नहीं, टीवी पे बोला है। और तुम दोनों यूं करेले की तरह मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अरे जश्न की तैयारियां करो, अरे खुशियां मनाओ, पटाखे फोड़ो। आज इस घर का राम सीता को लेके आने वाला है। अरे दिवाली मनानी चाहिए, दिवाली। पीजी, क्या बात कह दी आपने, ऐसी दिवाली मनाएंगे कि पटाखे खुद देखते रह जाएंगे। ऑलरेडी तैयारी तो कर ही चुके हैं हम, बस लड़का लड़की अमित भाई और भाभी का इंतजार है ना पीजी? ये लो, दिव्या का फोन आ गया। अच्छा, अरे तो हमसे परमिशन ले रहा है क्या? नहीं पीजी, सुबह भी इसका फोन आया था और साफ ऑर्डर किया था कि अपने बेटे से बात कर लूं। अच्छा, नकुल बोलने लगा है? जो कह रही है तो शायद बोलने लगा होगा, बाकी फोन पे बात करूंगा तो पता लगेगा। अरे फोन तो उठा, कब से घंटी बज रही है। स्पीकर पे डालता हूँ। देखो दिव्या, इससे पहले तुम मुझे डांटो, मैं पहले बोल दूं कि मैं अकेला यहाँ पे नहीं हूँ, तुम स्पीकर फोन पे और मेरे साथ बीजी मनप्रीत ऑलरेडी है। सर, सर मैं नीना, नीना बोल रही हूँ मैं। दिव्या मैडम ने आपको फोन लगाया था, पर उनके फ्रेंड्स आ गए तो वो निकल गए। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम नकुल से बात करो। ठीक है सर, एक मिनट। लो नकुल बेटा, पापा से बात करो, आ जाओ। ये देखो, देखो इसको, मतलब लगता है चाचू की शादी की खबर इसके पास पहुंच चुकी है। अब विश करने के लिए एक्साइटमेंट में फोन तो कर दिया जनाब ने, लेकिन बोल नहीं सकता। आ, तेरा बेटा अब उनके पास है। मेरा ऋषि? आ, तेरा बेटा ऋषि और उसकी बीबी दोनों। एक मिनट, जरा ऋषि को फोन देना। ए, सुन, मैंने किसी इनाम के लालच में फोन नहीं किया है, अपने पैसे वसूलने के लिए फोन किया है। और मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं एक बहुत ही खतरनाक गुंडा हूँ। हम लोगों ने तेरे बेटे का किडनैप किया है। किडनैप? हाँ, अपहरण बोले तो किडनैपिंग। तेरे इनाम की कीमत थी 1 करोड़, पर अपने कांड की कीमत है 2 करोड़। और हाँ, एक अच्छे बाप की तरह बोल, कितनी देर में दे रहा है रोकड़ा। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत करना, नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं
हम तेरे बेटे के पेट में चाकू भी भोंक सकते हैं। फिर मत कर। नहीं, आप मेरे बच्चों के साथ कुछ मत करना। मेरे बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए। मैं पैसे दूंगा, जितने आपने कहे मैं पूरे पैसे दूंगा। मैं 2 करोड़ दूंगा। गुड, वेरी गुड। एक अच्छे बाप की तरह, अमीर बाप की तरह। अच्छा, रोकड़े का इंतजाम कब तक हो जाएगा? दो चार घंटे तो लगेंगे, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया, मेरे बच्चों को अगर एक खरोंच भी आई ना, तो माँ काली की कसम, पछताओगे, बहुत पछताओगे, पछताओगे कि ये दिन आया तुम्हारी जिंदगी में। तो पैसे कहाँ भिजवाने? तू रोकड़े का बंदोबस्त करके रख और मेरे अगले कॉल का इंतजार कर। पता चल जाएगा रोकड़ा कहाँ भेजना है। लेकिन प्लीज, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। सुनो, उन दोनों को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बहुत बुरे हाल करूंगा, बहुत बुरे हाल। राज जी, वो लोग किडनैप हो गए क्या? हे वाहेगुरु, मेरे बच्चों की रक्षा करना। बीजी, क्या हो गया? बीजी, तू चिंता ना करो। मैं हूं ना, मैं बच्चों को वापस लाऊंगा। अरे मैं वापस लाऊंगा उनको। उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। बस ये बात घर में अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं बताऊंगा। एक मिनट, बस कुछ कर मेरा। एक मिनट बीजी, रुको ना। मैं जरा पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, अमेरिका फोन कर रहा हूँ। हेलो रॉबिन, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मेरा जो इंडिया का अकाउंट है ना, उसमें 2 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रांसफर कर। डू इट एज सून एज पॉसिबल। यार कैसे करने हैं, कहां से करने हैं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके, कुछ ना कुछ कर बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जी रो मत, मैं जानता हूँ कि ये मेरी गलती है, ये मेरी वजह से हुआ, तो सुधारूंगा भी मैं ही। चिंता ना करो, चिंता ना कर बेटा, बहुत डर लग रहा है। इस लड़के को किडनैप करके हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? ओए, ये क्या हुआ? हाँ, तेरे हाथ पांव ठंडे क्यों पड़ गए? नहीं, कुछ नहीं, छोड़ ना यार। वैसे भी 2 करोड़ मिलने वाले हैं, और 2 करोड़ मिलने की खुशी में थोड़ा सा ठंडा पानी तो पिला ही सकते हैं। उस लड़की को बेचारी कब से प्यासी है ना? तो रुक, मैं आता हूँ। राजू, क्या हुआ? क्या हुआ? वो विशाल ने बुलाया बाहर। मेरे को विशाल ने क्यों बुलाया? अरे मुझे क्या पता, तू जाना बाहर। ठीक है। ठंडा पानी। नहीं प्लीज नहीं। देखो, मैं शराफत से बात कर, तुम्हें ज्यादा बदमाशी मत करना। नहीं तो मैं भी बदमाश हो जाऊंगा। और तुझे पता है, जिन लोगों ने तेरे पति का किडनैप किया है ना, वो इंसानी शक्ल में शैतानी भेड़िए, बहुत ही खतरनाक गुंडे हैं।
तेरे पति का टपका भी सकते हैं। तू भी क्या याद करेगी कि मैंने तेरी प्यास बुझाई? तुम्हारे ठंडा पानी लेके मेरे हाथों से। प्लीज नहीं, प्लीज ऋषि, ऋषि उठो, ऋषि प्लीज अपनी आंखें खोलो। ऋषि नटोर, क्या हुआ? अबे भागने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये लड़की मिल जाए, इसे देखते ही मेरे दिल में घंटियां बजने लगी थी। पागल हो गया ये। तूने बोला था ना इन दोनों को कुछ नहीं करना, वरना इसका बाप हमें छोड़ेगा नहीं। अबे वो लड़के का बाप था, लड़की का नहीं। और उसको बोल देंगे हमें सिर्फ लड़का मिला था। बस यार, इस लड़की को मेरे लिए छोड़ दो, ले चलो इसे मेरे कमरे में। नहीं प्लीज नहीं, छोड़ दीजिए। ऋषि उठो, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। साथ में हमारे सारे सपने लेकर भाग गया वो। मानी, अब हम अमेरिका कभी नहीं जा पाएंगे। यही चेंबूर के चौल में सड़ते रहेंगे, इंडिया में मरते रहेंगे बस। और एक दिन ये चौल भी टूट जाएगी, बिल्कुल हमारे सपनों की तरह। और तुझे क्या हुआ है? ऐसे घूर घूर के जमीन को देखेगी ना, जमीन में भी खड्डे पड़ जाएंगे। क्या सोच रही है इतने गुस्से में? अरे यार, ऋषि गया तो गया, क्या फर्क पड़ता है? लड़कों की अकाल आई है क्या? और वैसे तेरे पीछे तो कितने लड़कों की लाइन लगी हुई है, उसी में से कोई एक देख लेना। हजार लड़कों की लाइन है मेरे पीछे, पर उस बुड्ढे ने जो मेरी बेइज्जती की है उसका क्या? नेहा, क्या हो गया तुझे बेटा? बोलो ना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कहा था उस बुड्ढे ने मुझे? क्या बद्दुआ दी थी उस बुड्ढे ने मुझे? यही कहा था ना कि कितने भी अमीर लड़के से मेरी शादी हो जाए लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहूंगी। यही बद्दुआ दी थी ना मुझे। अब देखो,
अब देखो मैं क्या करती हूँ। किसको फोन लगा रही है तू? जल्दी आ गया, आ गया हॉस्पिटल, आ गया। साड़ी, तेरा फोन बज रहा, फोन उठा। विक्रम, मैं बाद में देख लूंगा, पहले भाभी को डॉक्टर के पास दिखा दे। डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी केस, आप प्लीज इन्हें लेकर मेरे साथ आइए। विक्रम, विक्रम तुम जाओ। हाँ बेबी डॉल। सैंडी, सैंडी कहाँ है तू? मुझे तुझसे अभी की अभी बात करनी है, जल्दी से जल्दी मेरे घर आ। नहीं बेबी डॉल, अभी हॉस्पिटल में हूँ। मेरे दोस्त विक्रम की बीवी प्रेग्नेंट है, बहुत पेन हो रहा है, नहीं जा सकता यहाँ से, बस मुझे एक दिन दे। फ्री होते ही पहला फोन तुझे करूंगा मैं, ठीक है? सैंडी, तुझे नहीं पता मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, मुझे कितना दर्द हो रहा है, तू सीधा घर चले आ। बेबी मेरी बात तो सुनो, कह रहा हूँ ना कि मैं आ रहा हूँ एक दो दिन में। सैंडी, तू सचमुच मुझे समझता है ना, सचमुच मेरी तकलीफों को समझता है ना, तो चुपचाप घर चले आ, वरना मेरा मरा मुंह देखना। नेहा, ये क्या किया तूने? तूने सैंडी को क्यों फोन किया? क्या करने वाली तू? उस बुड्ढे की जिंदगी से मैंने उसकी खुशियां नहीं छीन ली ना, तो मेरा नाम बदल देना। नेहा, क्या हुआ? आप बाइक क्यों रोक दी? देखो तनु, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ जानती हूँ तनु यार, तो तुम्हारे आंखों में आंसू ना मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखो वो लोग, वो गुंडे नहीं है यहाँ पर, हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। हाँ मैं उन घटिया लोगों के डर की वजह से नहीं रो रही हूँ ऋषि। फिर अगर वो लोग सच में तुम्हारे साथ कुछ कर देते तो तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे मुझे कैसे होता, तुम हो ना मेरे साथ, मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। और मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम दोनों साथ में हैं ना, हम दोनों का कभी कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना मेरे साथ। और अगर कुछ हो जाता तो मैं राजशंकर को क्या मुंह दिखाती, क्या जवाब देती मैं उन्हें? बस यही बहुत डर लग रहा था मुझे। मेरी आंखों में देखो, क्या दिखता है तुम्हें? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। मैंने कहा था पापा जी के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार भर दूंगा मैं कि तुम्हें तुम्हारे बाबूजी फिर से वापस मिल जाएंगे, तुम्हें एक नया परिवार मिल जाएगा। तो मैंने कहा था ना, मैंने एक नहीं तुमसे कई वादे किए थे, तो जब तक उन वादों को पूरा नहीं करूंगा मैं कहां जा सकता हूं। और वैसे भी मेरी प्रिंसेस, मैंने वादा किया था कि तुमसे शादी करूंगा किसी हाल में भी। की ना तुमसे शादी? क्यों, किडनैप किया, शादी कर लिया? अच्छा सुनो, ये राजंकल को फोन करके बता तो दो, उन्हें तो यही लग रहा है ना कि हमारा किडनैप हुआ है, वो लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, और ये फोन भी तो हमने इसीलिए। हाँ आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, पापा जी को फोन करना चाहिए। ये 2 करोड़ रुपए क्लियर है। मैं सुनो, अब आगे क्या करना है हमें? मुझे नहीं पता रानू क्या करना है, ये तो किडनैपर्स ही बताएंगे क्या करना है। फोन आ गया, स्पीकर पे। हां बीजी, रैंसम देना, तमाशा थोड़ी करना है। अच्छा हम भी सुनेंगे। हेलो, हेलो सुनो जी, वो आपके पैसे का इंतजाम हो गया, पूरे का पूरा पैसा बताइए कहां पहुंचाना है। नहीं पापा जी, मैं ऋषि बोल रहा हूँ। ऋषि पापा जी, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम लोग ने अपने आपको गुंडों से छुड़ा लिया है। हाँ हाँ, और बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल टेंशन मत लो आप, हम लोग बिल्कुल ठीक है, मैं तनु बिल्कुल ठीक है। ओए खोते दे पुत्र, और तुम दोनों हो कहाँ? पापा जी वो सब बाकी कहानी आके बताएंगे, बहुत लंबी कहानी है, ठीक है? वो एक्चुअली क्या है कि वो पापा जी, आई एम सॉरी, वो मैंने बहुत तकलीफ दी आपको, आप बहुत गुस्सा हो गए ना यार। खोते दा पुत्र, मैं पूछ रहा हूँ, बता तू है कहाँ, तुम दोनों हो कहाँ? वो मैं तनु, मेरे साथ मैंने तनु किडनैप कर लिया और शादी कर ली। नहीं, इसमें तनु की कोई गलती नहीं है, पूरी गलती मेरी है। हा? आप उसे प्लीज कुछ मत कहना।
ऋषि उतर कान खोल के सुन, मैंने तनु को बेटी तो पहले ही मान लिया था, बहू भी मान लिया। पापा जी, ये पापा जी अगर आपको सच्चाई पता लगेगी ना तो आप लोग ऋषि पुत्र, आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत चके तुझे किडनैप करके, बहुत चके हम। लेकिन पापा जी आपने तनु 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 क्यों बुलाया? क्योंकि हमें सब पता चल गया है पुत्र, ये तनवी नहीं तनु है, तनु मेरे यार नीरू की बेटी। अरे हमें पता चल गया है पुत्र, तुझसे मिलूंगा तो सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात सुन ले। जी। तनु को ये जाने बगैर ही मैंने अपनी बहू मान लिया था कि वो मेरे यार वीरू की बेटी है। पता है किसने? क्योंकि तनु से अच्छी लड़की दुनिया में तेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। पर पुत्र आज ना तेरे ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि तूने तनु को किडनैप किया। तू किडनैप नहीं करता ना, तू उस बिचारी की शादी तो उस बदमाश पवन से हो जाती, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। ऋषि जी, तनु कहाँ है? एक बार तनु से बात करवा मेरी। तनु यहीं पर, आप लाउड स्पीकर पर अब बात करो। हाँ लो। हेलो, तनु बेटा तू इतनी अच्छी क्यों है? मैंने एक बार कहा कि ऋषि से दूर रहे और तूने मेरी बात मान ली। अरे मुझसे झगड़ा कर लेती, अरे पुत्र मुझे सच्चाई बता देती। मुझे सच पता होता तो मैं तुम्हें ये सब थोड़ी बर्दाश्त करने देता। तुम दोनों बहनें इतनी जातियां चुपचाप अकेली बर्दाश्त करती थी, अपने बाबूजी के रहते तुम्हें ये सारी जातियां बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। पुत्र मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप ही कैसी बात कर रहे हैं अंकल? तनु, अंकल नहीं बेटा, बाबूजी बोल। बाबूजी, तू मेरे दोस्त वीरू की बेटी है। तनु, बेटा कुछ सुनाई नहीं दिया? जी बाबूजी। ये हुई ना बात। अच्छा आप अपने भाऊजी को बताओ कि तुम दोनों कहाँ हो? पापा जी हम लोग विरार में हैं। विरार कहाँ? तो बेटा विरार से तुम्हें यहाँ आते आते तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं, तुझसे मिलने के लिए हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। नहीं तू एक काम कर, वहाँ विरार चौक पर रुक। हाँ, हम वहीं आ रहे हैं तुझसे मिलने के लिए। ओके ओके पापा जी, ओके लव यू, लव यू, बाय। ओए क्या हो गया? ओए खोते, चक्कर क्या है? आज बाप पे बहुत प्यार आ रहा है, बार बार गले लग रहा है। एड वो क्या है ना, जो आज आपने किया, भाई को इतना प्यार दिखाया, दिल कहता है आपको ऐसी गले लगाए रखो। सच में आज सीरियसली आप वो हमारे वाले मतलब जल्लाद बाप नहीं, असली बाप लग रहे हैं। चलो ही चलो, चलते हैं अपने बेटे और बहू को वापस लेके आते हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ आपको गले मिलने में लगे हो, जल्दी चलो चलो चलो। बेबी डॉल, बेबी डॉल, बेबी डॉल, क्या हुआ? तुम फोन पे इतनी अपसेट क्यों लग रही थी और इतनी अर्जेंट भी क्यों बुलाया मुझे? संडी, संडी ये बताने के लिए कि तेरा और मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा और मेरा रिश्ता यही खत्म। भूल जा अपनी इस बेबी डॉल को। भूल जाओ, पागल तो नहीं होगी तुम? क्या जानती हो ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुझसे। अगर तू किसी और के होने की सोच रही है ना तो भूल जा, पहले तुझे गोली मारूंगा फिर अपने आप को। तू रिश्ता खत्म करने की बात कर रही है, मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। चला दे ये गोली सैंडी, आज मार दे मुझे। मैंने ना तेरे अलावा किसी के बारे में सोचा था ना, और ना कभी सोचूंगी। तो फिर पहलिया को बुझा रही है तू? अगर तू मुझसे इतना प्यार करती है तो फिर रिश्ता खत्म करने की बात क्यों कर रही है? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? हाँ सैंडी, मेरा दिमाग नहीं, मैं खराब हो गई सैंडी, अब मैं तेरे लायक नहीं रही सैंडी। ऋषि ने मौका देखा
और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। उसकी नजर तो मेरे ऊपर उस दिन से थी जिस दिन से वो मेरे घर पर आया। बस उसने मौका देखा और मौका देख के मेरे साथ और अब मेरे कजन के साथ भाग गए और उसके साथ भी जबरदस्ती। वो लड़का ही ऐसे है, हर लड़की के साथ गंदा लड़का, गंदी सोच। इतने सपने देखे थे मैंने तुझे और अपने आप को लेके, और उसने मेरे सारे सपनों का खून कर दिया। उसने मेरे और तेरे रिश्ते का खून कर दिया। उसने मेरे आने वाले कल का खून कर दिया सैंडी। और मैं उसका खून कर दूंगा। नहीं सैंड, तू ऐसे कुछ नहीं करेगा। तू ऋषि का खून नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि दुनिया ये कहे कि तूने मेरे प्यार में मुझे दर्द देने वाले का खून कर दिया। तू रहने दे सैंडी। तू कहां ढूंढेगा उन्हें? वो दोनों तो कत्यानी के घर भाग गए थे ना, और वहां से भाग के जंगल, और जंगल के आगे वो जो विरार पड़ता है ना, विरार के आगे वो जो चौराहा है ना, वहीं कहीं मिलेंगे तुझे वो दोनों। बट तू रहने दे सैंड, तुझसे नहीं हो पाएगा। ढूंढ तो मैं उन्हें पताल से भी लूंगा। जो कुछ तेरे साथ किया ना ऋषि ने, उसके बाद छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। नहीं नहीं सैंडी, रहने दे, मत कर ऐसे। नहीं बेबी डॉल, आज मेरे सर पर खून सवार है। हाँ डालूंगा उसे मैं। सैंडी मेरी बात तो सुन। राज अंकल, बुड्ढा कहीं का, क्या बोला था, क्या श्राप दिया था मुझे कि मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? अब देख, ऋषि तेरी खुशी है ना, तेरी खुशी तेरे से नहीं छीन ली ना मैंने, तो देखना तेरी बद्दुआ ही ना तेरी जिंदगी तुझसे छीन लेगी। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने माँ बाप जी के दिल में मेरे लिए इतना प्यार भर दोगे कि मुझे मेरे माँ बाप जी मिल जाएंगे। देखो आज मिल गए। जानते हो ऋषि, जिन माँ बाप जी का आशीर्वाद अपने बच्चों पे नहीं होता, जिन माँ बाप जी का आशीर्वाद उनकी शादी में नहीं होता, वो शादी अधूरी रहती है। लेकिन आज हमें हमारे माँ बाप जी का आशीर्वाद मिल गया। अब हमारी शादी पूरी हो गई। अब हमें दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। कोई भी नहीं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कायनात की कोई भी ताकत अब हमें जुदा नहीं कर सकती। हम बचपन से एक दूसरे के लिए बने थे, बने हैं और बने रहेंगे। तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना ऋषि, कि मैं कभी ये क्यों नहीं बता पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है, ये दो लफ्जों का प्यार, ये कई लफ्जों से, कई शब्दों से, भाषा से, कई प्रेम कहानियों से, कई जिंदगियों से परे है। मेरे प्यार की ना तो कोई हद है ना कोई सीमा। मेरे प्यार का कोई अंत नहीं है ऋषि। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा प्यार ना इस जन्म का है ना उस जन्म का है। मेरा प्यार कई जन्म का है, जन्मों जन्म का है, सात जन्मों का है। आज अगर भगवान भी मुझे अपने पास बुला लेना, मुझे इस दुनिया से उस दुनिया में बुला ले, तो मैं उनसे भी लड़के वापस इस दुनिया में आ जाऊंगी, उस दुनिया को इस दुनिया में ले आऊंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए फिर से जन्म लूंगी, फिर से आऊंगी इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे साथ जीने के लिए, तुम्हारे साथ जो कसमें वादे खाई हैं उनको निभाने के लिए। मैं फिर वापस आऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे बहुत प्यार करूंगी, तुम्हारे प्यार की कसम। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे इतनी सीरियस बात कर रही हूं और तुम
तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? पता है क्या, तुमने पहली बार प्यार से मेरा नाम लिया है, पहली बार मेरे लिए अपने प्यार का इजहार किया ना, तो मैं सोचा कि ना ये सब मोमेंट्स में, मतलब ये बातें मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर लूं। तुम्हारी दिल की बातें पता नहीं कल कल फिर शायद बोलो या ना बोलो। और पता क्या, लोगों को लगता है, मतलब दुनिया को लगता है कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। तुमने कहती थी कि अब मेरे पास प्रूफ है, सबूत है कि तुम भी प्यार करती हो, बस शर्माती बहुत है ना, प्यार का इजहार नहीं करती है। एनीवेज, अब मैं इस वीडियो को हमारे बच्चों को दिखाऊंगा और उन्हें हमारी अजब प्रेम की गजब कहानी भी सुनाऊंगा। कैसा आइडिया? सुपर बा। चलो पापा जी, वेट करके कितनी बातें करते हो, चलो फटाफट चलो, ये यहाँ रखते हैं, चलो फटाफट चलो, आ जाओ। पापा जी मिलेंगे, मॉम मिलेगी, कितनी खुश होगी तुमसे मिलके, पता है? और घर वाले, मनप्रीत, छोटू, सब। दिन कितना अजीब है ना, मतलब एक तरफ तो इतनी खुशी है कि संभाली भी नहीं जा रही और दूसरी तरफ अभी भी अजीब सी बेचैनी है दिल में। बेचैनी? तनु, अब ये बेचैनी, फिक्र, ये सब ना अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि अब हम साथ में हैं, अब हम जिंदगी के साथ रहेंगे, इनफैक्ट जन्मों जन्म साथ रहेंगे। हाँ कस के पकड़ो ना, अब तो शादी हो गया, अच्छा लगता है। ये हुई ना बात। पिछड़े प्रेमी को मिलाया, तूने ही उनका जोड़ा बनाया, माँ उनका जोड़ा सलामत रखना। नहीं माँ, माँ उस लड़के को काल से बचा ले, माँ माँ मैं हाथ जोड़ते उसे काल के हवाले मत कर, माँ माँ उसे बचा ले,
बचा ले उसे। माँ नहीं, माँ माँ काल उसके पीछे भाग रहे, माँ माँ काल उसके सर पे खड़ा है, नहीं माँ नहीं नहीं, ये सब मत कर, उसे उसे मरने मत दे माँ। हे माँ काले, तू खुद यहाँ आ और आकर उस लड़के को बचा ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ माँ आ जा, आ जा माँ, आ जा, आ जा माँ, आ जा। जय माँ काली, जय माँ काली। सैंडी तू? हाँ मैं। बहुत बड़ी गलती की है तूने, गलती नहीं पाप किया तूने, पाप। और इस पाप की सजा मिलेगी तुझे, सजा मिलेगी। क्या बकवास कर रहा है तू, ये कैसी छुटपुट कहानी? मेरी नेहा के साथ बदतमीजी की, मेरी नेहा के साथ। तो तू मुझे जानती हो ना, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। गलत किया तूने मेरी नेहा के साथ, उसको जीते जी मार डाला मैंने। अब मरने की बारिश तुम्हारी है ऋषि, तुम्हारी। ये मनगढ़ंत कहानी बना रही, बकवास है। तुम्हें जानती हो ना तनु, तुम जानती हो मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। ये क्या बोले जा रहे? हम चलते, पर ये सब क्या है? तुम जानती हो मैं चल मर ऋषि। तनु, तनु,